दिस इज द फुल गाइड फॉर द मोस्ट क्रिएटिव अटैक स्ट्रेटजी इन क्लैश ऑफ क्लैंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टाउन 11 हाइब्रिड की गाइड। सबसे पहले आपको कहाँ से अटैक करना है वो यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। काफी लोग बोलते हैं ईगल वाली साइड पे जाओ, काफी लोग बोलते हैं टाउनल वाली साइड पे जाओ। मेरा आंसर है जहां से आपकी क्वीन मरे ना, जहां से आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं क्वीन को हैंडल कर सकता हूं, जहां से आप कॉन्फिडेंट हो कि क्वीन जो है एरिया निकाल देगी विदाउट एनी इशू, वहीं से जाओ। अब सीधा मुंह उठा के अगर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे तीन तीन हीरोज प्लस यहाँ पे दो दो इन्फर्नोस, भाई साहब क्वीन बहुत ही मुश्किल में आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई भी नहीं कर पाएगा, पीरो प्लेयर लोग कर लेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी, लेकिन अगर आप नई नई हाइब्रिड सीख रहे हैं तो यार ऐसे मत करना, वरना आप लोग फिर रोने जैसी हालत हो जाएगी आपकी, ठीक है। इतना भाई गंदी तरीके से क्वीन मरेगी। तो इस वाली साइड से यहाँ पे सबसे पहले फ्लेम फ्लिंगर आ गई है। अब फ्लेम फ्लिंगर क्या करेगी आप देखना, यहाँ पे काफी लोग पहले यूज क्या करते थे, सीज बैराक, जब तक यहाँ पे फ्लेम फ्लिंगर नहीं थी। लेकिन फ्लेम फ्लिंगर के आने के बाद काफी लोग हाइब्रिड में फ्लेम फ्लिंगर मतलब अडेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब रीजन क्या है, यहाँ से कोई भी फ्लेम फ्लिंगर को डैमेज देने नहीं वाला है। तो ये एक दो तीन चार विजार्ड टावर डाउन है, ये हो सकता है ये भी मिल जाए। तो जो आप लाइन में देख रहे हो ना फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, ये तो पूरी निकल चुकी है अकेली फ्लेम फ्लिंगर से। अब मोस्ट प्रॉब्ली इस वाली साइड से या फिर ऊपर वाली साइड से अपनी क्वीन आ चुकी है। यस डेफिनेटली मैं स्टार्टिंग में बोल ही रहा था कि यहाँ से मत करना, लेकिन ऑफकोर्स जो अटैक कर रहे हैं हमारे नावेद भाई ये बहुत ही पीरो प्लेयर हैं, तो ये सीधा यहाँ पर टाउनल वाली साइड पर जा चुके हैं जहाँ पर तीन तीन हीरोज हैं। और देखो सबसे पहले एक यहाँ पे बलून को डालते हैं, मैंने बार बार बता चुका है कि बलून डालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना आपकी जो भाई हीलर्स है ना उनको सीकिंग एयर माइंड से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बलून से क्या होता है कि बेसिकली जो भी बेस में माइन ट्रैप्स होते हैं ना वो पहले ही टैकल हो जाते हैं। तो एक बलून डालना होता है आपको स्टार्टिंग में, हो सके तो एक और डाल देना, देखो यहाँ पे एक और बलून आ चुका है, ताकि सेकंड कोई माइन है देखो वो भी निकल गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखो दो दो हीरोज हैं, तो कोई भी यहाँ पे वेट नहीं गया, सीधा क्वीन को रेज कर दिया प्लस यहाँ पे वॉल को ब्रेक कर दिया, रेज प्लस वॉल ब्रेक। और यहाँ से अब क्वीन जाएगी सीधा अंदर वाले कंपार्टमेंट में, दोनों हीरोज डाउन जा चुके हैं। तो रेज पहले यहाँ पे अर्ली इसलिए डाला गया ताकि यहाँ पे क्वीन को कोई भी डैमेज ना पड़े। तीसरा बलून आ चुका है, ये चार पांच बलून इसलिए देखो तीसरे बलून से यहाँ पर एक माइन निकल गई। तो ये जो तीन चार बलून डाले जाते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब क्वीन के ऊपर होने वाले हैं भाई दो दो सिंगल इन्फर्नो फ्रीज, तो यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी जाएगी सीधी बात है, एंड यहाँ से क्वीन की एबिलिटी प्लस एक फ्रीज भी गया देखो, एंड अपोनेंट सीसी बाहर आ चुकी है, सीसी को भी लूर कर दिया जाएगा। एंड लूर करने के लिए देखो टाउन हॉल को निकाल दिया क्वीन ने, तो जो मेन चीज़ थी चाहिए थी हमें क्वीन के साथ वो था टाउन हॉल, और वो हमें मिल चुका है, तीनों हीरोज मिल चुके हैं अपोनेंट के। और हो सकता है कि ये इन्फर्नो शायद भाई क्वीन को मार दें, लेकिन अब क्वीन ने अपना काम कर दिया है। अगर क्वीन यहाँ जिंदा बचती है तो काफ़ी सरप्राइजिंग बात होगी, पर अब देखो यहाँ रेस पेल के साथ भाई बचा लिया, क्वीन को बचा लिया है काफ़ी यहाँ पे भाई अच्छी तरीके से, लास्ट में रिकवर किया, बहुत ही मुश्किल लग रहा था लेकिन दोनों इन्फर्नोस भी निकल गए सिंगल वाले। एंड अब यहाँ से देखो एक साइड से आ चुका है किंग, एंड जो बीच में आप देख रहे हो पूरा बेस जो यहाँ से रास्ता बन रहा है ना, ये ईगल वाली साइड का कंपार्टमेंट बच रहा है, तो यहाँ से अपनी हाइब्रिड या फिर यहाँ से अपनी हाइब्रिड आ सकती है, या फिर हो सकता है यहाँ से भी आ जाए, काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है अपनी हाइब्रिड को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह क्वीन अभी तक जिंदा है। अगर कोई नया प्लेयर सीख रहा है तो ऐसे मत करना भाई, आप लोग अभी पहले अटैक देख रहे हो, अटैक देखने के बाद ना प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही सीधा आप लोग वॉर में ऐसे करना, वरना हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें एक बार में हैंडल ना कर पाओ। कोई नया प्लेयर होगा जो नया नया हैबिट सीख रहा है, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, मैंने खुद सीखी है, एक हफ्ता लगता है एटलीस्ट इतना परफेक्ट करने में। पर हाँ अटैक तुम आपको परफेक्ट दिखाएंगे, ताकि जब आप परफेक्ट करो तब आपको लगे हाँ भाई मैं भी इन्हीं तरह यूट्यूब पर जैसे मैंने वीडियोज़ देखी थी वैसे मैं भी अटैक कर पा रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके हीरोज रश हैं भाई तो थोड़ा सा उनको मैक्स कर लो, बिकॉज रश हीरो के साथ बहुत मुश्किल होता है हाइब्रिड करना, एटलीस्ट क्वीन लेवल 40 होनी चाहिए, अगर हो सके लेवल 45 अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेवल 30-35 की क्वीन से काफ़ी दिक्कत आती है, हमने खुद नोटिस किया है, तो लो लेवल क्वीन के साथ यहाँ पे यही दिक्कत आती है। बाकी यार देखो फ्लेम फ्लिंगर पे ध्यान देते हैं, यार इसने कितनी चीज़ें निकाल दी, मतलब फ्लेम फ्लिंगर ने तो ये पूरा कंपार्टमेंट ही खाली कर दिया। यहाँ पे फ्लेम फ्लिंगर का भाई मानना पड़ेगा काफ़ी ओपी चीज़ है। एंड साथ में यहाँ पर जो अपने बचे हुए हॉग राइडर एंड माइनर हैं आप देख ही सकते हो, दो तीन डिफेंस बचे हैं बड़े बड़े, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये पूरा बेस यहाँ पे कितने आराम से निकल चुका है। तो ये था एक अटैक, क्या हम लोग सारे बेस पे सेम ऐसे कर सकते हैं देखना पड़ेगा भाई, इसलिए हम चलते हैं अगले अटैक के ऊपर। एंड थोड़े डिफरेंट बेसिस पे अटैक आप इसलिए देखो भाई, ताकि आपको पता चले हर बेस में अलग तरीके से अप्रोच होती है, हर जगह सेम करोगे तो नहीं होगा थ्री स्टार यार, ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन मैं खुद ऐसी गलतियाँ करता हूँ कि एक बार अटैक देख लिया मैंने, हर जगह सेम करने की ट्राई करता हूँ, फिर टू स्टार हो जाते हैं, इसलिए चलिए चलते हैं भाई सेकंड अटैक के ऊपर। बाकी अगर आपको यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है यार, तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई साहब ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट की लिंक है, सारे टाउन 11 12 13 14 15 16 सब। तो भाई लास्ट वाला अटैक हमने फ्लेम फ्लिंगर के साथ देखा था, इस बार हम देख रहे हैं सीज बैराक के साथ। अब देखो ये वाले बेस में ना टाउन हॉल बाहर की तरफ है, मतलब टूर्नामेंट वाला बेस, अब कैसे करना अटैक चलिए देखते हैं सीज मशीन के साथ, सीज मशीन नहीं सॉरी सीज बैराक के साथ।
थोड़ी सी जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते हैं, माफ कर दीजिएगा। अब देखो भाई यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तीनों हीरो साथ में, तो क्या इस साइड जाया जाएगा या फिर क्या यहाँ पे टाउन वाली साइड पे जाया जाएगा, जो भी होगा देखना पड़ेगा। तो आई गेस इस साइड से जाया जा रहा है भाई, बिकॉज यहाँ पे तीनों हीरो साथ में है, प्लस सीसी भी तुरंत बाहर आ चुकी है। तो अब देखो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में हमारी क्वीन फंस चुकी है लास्ट बार जैसे ही, और सेम चीज़ लास्ट बार जैसे यहाँ पे की जा रही है, जो कि यहाँ पर अपना पहले एक रेस पेल डाला जाएगा, डेफिनेटली डाला जाएगा यहाँ पे रेस पेल, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है भाई अपने बलून्स डाले जाएंगे ताकि कोई भी अपोनेंट का यहाँ पर भाई सीकिंग एयरमाइन वगैरह वो स्टार्टिंग में निकल जाए, ताकि हमारे हीलर्स डिस्ट्रॉय ना हो। हीलर्स एक भी नहीं मरना चाहिए, अगर हीलर मर गया दिक्कत हो जाएगी फिर। एंड वेल यहाँ सीसी तो बाहर निकल चुकी है और अपोनेंट क्वीन भी यहाँ पे देखो निकलने वाली है, लगभग निकल चुकी है, प्लस यहाँ पे रेस भी दे दिया है, सेकंड रेस आ चुका है ये, तो अपोनेंट क्वीन भी गई। अब यहाँ से ना हमारी जो क्वीन है उसके लिए काफ़ी सिंपल रास्ता बन चुका है, अब यहाँ से ज़्यादा कोई डैमेज देने वाली चीज़ है नहीं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा फोकस हटाते हैं एंड अब देखते हैं सीज मशीन किस साइड से आएगी। डेफिनेटली हो सकता है इस साइड से आए या फिर अपनी सीज मशीन इस साइड से आए। देखो इस साइड से आ चुकी है किंग प्लस सीज मशीन, अब आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ से ना एक जो इस साइड सीज मशीन है और किंग है वो यहाँ पे एक रास्ता बना देंगे, किंग जो है लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन तक यहाँ तक पहुँचेगा और जो ये पैका वगैरह निकल रहे हैं यहाँ पर रास्ता बनाएंगे, जो बीच में बचा भाई एक पतली सी गली, उस पतली सी गली में अपनी हाइब्रिड चलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भाई प्लानिंग की जा रही है और तीसरा रेज भी घेर दिया गया भाई, तो काफ़ी रेज डाले जा रहे हैं, यहाँ मल्टी इन्फर्नो है फिर भी रिस्क नहीं लिया है, ये रेस पेल नेसेसरी था भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, पर रेस पेल डाला गया है। एंड अब आप यहाँ पर देखो जो मैंने बोला था पतली सी गली बन रही है वो यहाँ पे है, एंड अब पतली सी गली में हमारी हाइब्रिड निकलेगी और अब देख सकते हो हाइब्रिड के शुरू में एक जाइंट बॉम्ब फट गया, शायद थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई हमारे सारे हॉग राइडर एंड माइनर्स की। एबिलिटी कब देनी है हाइब्रिड को, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ईगल के हिट से बचाना है डेफिनेटली यार देखो, लेकिन अगर देखो ईगल की हिट पड़ने ही नहीं वाली है तो आप एबिलिटी होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर बंदा एबिलिटी होल्ड करता तो भी आई गेस कोई दिक्कत नहीं आती, पर स्टिल एबिलिटी दे दी गई, बिकॉज फिर घर लेके जाके कोई मतलब नहीं है, पहले दे दो एबिलिटी, लास्ट में घर पे लेके जाने से कुछ मतलब है नहीं। हील्स पर कब देने, कोई भी जाइंट बॉम्ब मल्टी इन्फर्नो दिख जाए सीधा हील्स पर डाल दो, चाहे आपके हॉग राइडर पे डैमेज ना भी पड़ा हो तो भी डाल दो, बिकॉज पड़ेगा उन पे, मल्टी इन्फर्नो बहुत डैमेज देता है। तो मल्टी इन्फर्नो के पास हील्स पर, और यहाँ पे अपने कोई भी अगर बिजार टावर, मल्टी इन्फर्नो, बॉम्ब टावर या कोई भी ऐसी स्प्लैश डैमेज देने वाली चीज़ें जो होती है ना, जो सारे हॉग राइडर को एक साथ डैमेज दे सकती है, उनसे बच के रहना भाई, वरना फिर जाइंट बॉम्ब वाली चीज़ें जो होती है ना वो दिमाग ख़राब कर देती हैं, एक ही बार में सारे हॉग राइडर निपट लेते हैं। तो जैसे आपको जाइंट बॉम्ब बाहर निकलता हुआ दिख जाए ना, उसके तुरंत ही बाद हील्स पर डाल देना भाई, मैंने काफ़ी बार देखा है ऐसे सीधे सारे हॉग राइडर गायब हो जाते हैं, 15-15, 20-20 हॉग राइडर मास हॉग राइडर स्ट्रैटजीज में। बाकी यार ये थी अपनी पूरी गाइड इस अटैक स्ट्रैटजी की, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, बिकॉज हाइब्रिड स्ट्रैटजी काफ़ी एक्सप्लेन करने वाली स्ट्रैटजी है, इसमें काफ़ी कुछ समझाना पड़ता है और भी बहुत कुछ मैं ऐसा सोच समझाया नहीं है मैंने, तो आप धीमे धीमे खुद अटैक जब करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें और होती हैं एंड खुद आप लोग और वो चीज़ें सीखोगे। तो ऑल द बेस्ट यार जो लोग ट्राई करने वाले हैं, जो लोग नए प्लेयर हैं टाउन 11 पे, सबसे पहले अपनी क्वीन को मैक्स करो, उसके बाद हाइब्रिड करना भाई, मज़ा आती है सही में, हमने भी काफ़ी किया है, टाउन 11 से रियल मज़ा स्टार्ट होता है हाइब्रिड करने का, एंड फिर इसकी आदत अगर लग जाए तो फिर आप टाउन 12 13 तक इसको करते करते चले जा सकते हो। बाकी यार ऐसी मोर अमेजिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप क्लैश। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मैं आपको ऐसी कुछ और वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। स्क्रीन के राइट साइड पर आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की फुल प्लेलिस्ट, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स क्लैश ऑफ क्लैंस मुझे पता है, एंड लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं भाई नो हीरो अटैक स्ट्रैटेजी फॉर एवरी टाउन हॉल, टाउन हॉल 15 आना बाकी है, बट हाँ बाकी सारे हैं तो इनको आप चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।